उत्तर प्रदेश की राजधानी में हरियाली तीज का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, और वहीं हंगामा टाइम्स आपको प्रमुखता से दिखा भी रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी में हरियाली तीज का पर्व किस तरह से महिलाएं धूमधाम से मना रही हैं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। वहीं हम आपको बता दें कि उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन ने आज हरियाली तीज का पर्व विकास नगर डेलीकेसिस बैंक्वेट हॉल में बड़े ही धूमधाम से अलग अंदाज में मनाया, जहां पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची बिंदु बोरा, पत्नी नीरज बोरा, विधायक उत्तर मंडल 5 भाजपा नेता। वहीं पर उन्होंने सबका उत्साह वर्धन भी किया और महिलाओं को शुभकामनाएं भी दी। वहीं आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण में उद्गम ने हुनर हस्तशिल्प मुफ्त प्रशिक्षण व रोजगार कार्यशाला की प्रदर्शनी भी की। वहीं आपको हम बता दें कि उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष का रूपाली श्रीवास्तव ने एक नई पिछड़ों के लिए घोषणा भी की है। ये डालते हैं एकता गुप्ता की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, जहां हरियाली तीज का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया राजधानी में। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय मौजूद हैं उद्गम फाउंडेशन के 30 सेलिब्रेशन में। महिलाओं के लिए कहते बहुत बड़ा एक त्यौहार है, और उत्तर प्रदेश हो या फिर देश का हर कोने में आज जो सेलिब्रेशन हो रहा है वो महिलाओं के लिए बड़ा ही एक सौभाग्य की बात है। तो क्या कहना चाहेंगे सौभाग्य के दिन पर आप? जी, ये शिव पार्वती जी का जो एक बहुत ही अच्छा तीज का त्यौहार है सावन के महीने में, हर एक महिला इस त्यौहार को मनाना चाहती है। आज ये जो त्यौहार मनाया जा रहा है, मैं यहाँ इकट्ठे सभी महिलाओं को शुभकामना देती हूँ और बधाई देती हूँ तीज के अवसर पे, और बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पे सब लोग सज धज के तैयार होके आए हैं और बहुत उत्साह के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं यहाँ पर सब लोग। रूपाली जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इन्होंने यहाँ पर जो ये फंक्शन किया है? बहुत ही अच्छा है, इस तरह से सब महिलाएँ एकत्रित होकर इस तरह से त्यौहारों को मनाती हैं और सब लोग को अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिलता है। रूपाली जी को मैं बार बार बधाई दूंगी, और इस तरह के आयोजन बार बार होते रहने चाहिए। महिलाओं में जो उत्साह दिख रहा है, सबके चेहरे पर जो खुशी दिख रही है, इसके लिए उनको मैं एक तरीके से धन्यवाद भी दूंगी और उनको बधाई भी दूंगी इस तरह के आयोजन करने के लिए। बहुत ही अच्छा आयोजन किया उन्होंने, तो उत्साह और खुशी हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। और फेस्टिवल हमें ये सिखाते हैं कि हमारे साथ एकता रहे, हम परिवार के साथ इस फेस्टिवल को और धूमधाम से मनाएं, और खुशी का कोई पलों से छोड़ना नहीं चाहिए। और लोगों से मिलेंगे, जानेंगे उन्हें कैसा लग रहा है यहाँ। धन्यवाद अदा करूँगी खुशबू जी का, बिंदु मैम का, जो हमेशा अपना सहयोग हमारे साथ बना के रखती हैं। कोई भी संस्था जहाँ पर बहुत ज़रूरी है, तो मैं आप सभी को ये निवेदन करूँगी कि अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो बड़ा किराया जरूर लेना, आपको हमेशा फायदा मिलेगा। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि खुशबू और ये दोनों आ गई है, इनके जन्मदिन में मैं पहुंच ही नहीं पाई थी, इसीलिए मैं ये जगह देखा चुना कि कलकत्ता से कलकत्ते की चीज हो। मैं बंगाल से बिलोंग करती हूँ, तो शायद उन्हें पसंद होगा। एक बार कहा और आज हमारे बीच में ही हमारे वाकई में हम कहेंगे हम बड़े खुशनसीब हैं, बहुत हर्ष हो रहा है मुझे कहते हुए, खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच ये यहाँ आ गई है। आखिर आना ही हमारे लिए बहुत ही ऑरेंज में। तो उद्गम की फाउंडर रूपाली जी हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि आज उद्गम ने तीज पर क्या खास किया, आज उद्गम ने तीज पे क्या खास किया? हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो त्यौहार हैं इसको किसी तरीके के कॉन्टेस्ट में परिवर्तित ना किया जाए, तो जस्ट इसलिए हम लोगों ने इसको कॉन्टेस्ट का रूप ना देते हुए एक उत्सव का रूप दिया है। और हम लोगों के यहाँ जो भी है सब गेम्स प्रोग्राम सब कुछ जो भी कुछ रहेगा उसमें किसी भी तरीके का कोई कॉन्टेस्ट नहीं होगा, कोई नंबरिंग नहीं होगी, सभी लोग इक्वली इन्वॉल्व होंगे। थोड़ा सा अलग हटके किया है क्योंकि मैं बार बार इसको करती थी तो मुझे बार बार ऐसा लगता था कि जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो जब अगर वो कोर इवेंट नहीं है, कोर कंपटीशन हो जाता है, तो फेस्टिवल कहीं नहीं रह जाता। तो वो मेरे मन में कहीं ना कहीं रह जाता था, भले ही 10 जीतते थे पर 10 हार जाते थे, तो वो 10 चेहरे हमेशा मुझे याद हो जाते थे कि अरे वो रह गया, और अपने हिसाब से सब तैयार होके आते हैं। तो जस्ट मैंने पहला तो यही अंतर लेके आई कि मैंने कोशिश की कि किसी भी हालत पे इसको कंपटीशन में नहीं रखेंगे, इसको एक उत्सव की तरह मनाएंगे, सब मनाएंगे, गेम्स करेंगे, फन करेंगे, मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, रैंप करेंगे, सब कुछ करेंगे, बस उसको नंबरिंग में परिवर्तित नहीं करेंगे। तो ये हार और जीत कोई नहीं। अच्छा मैम, उद्गम का सफ़र जो है 3 साल पूरा कर चुका है, 3 साल का हो गया आपका उद्गम,
तो इन 3 साल के सफर को पीछे देखती हैं और आज को देखती क्या लगता है? अगर मैं सच बोलूं तो मैं 3 साल पहले जब रजिस्टर मैंने कराई अपनी संस्था, तो मैं आपको ये बता सकती हूं कि मैं पोडियम से बचती थी। तो मैं सोचती थी कि एंकर सारा कुछ चला ले और मुझे किसी भी हालत में बोलना ना पड़े। पोडियम फ्रेंडली नहीं हूं मैं थोड़ा, पर आज की डेट में जब 3 साल मैं अपने काम कर चुकी हूं तो इतना कॉन्फिडेंस है मुझ में कि जब मेरे काम के बारे में कोई मुझसे बात करता है तो मैं बहुत देर तक उसके संग बात में रह सकती हूं, क्योंकि मुझे सोचना नहीं पड़ता है, विचार नहीं करना पड़ता है, सिर्फ बताना पड़ता है कि मैं लगातार क्या कर रही हूँ। तो ये अंतर बहुत बड़ा आया है कि आप जब काम करके आगे बढ़ते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस इनबिल्ट हो जाता है। तो ये अंतर है कि आज मुझे जब किसी भी तरीके के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके ये बताना पड़ता है कि उद्गम क्या है, तो मैं आपके संग घंटों डिबेट में रह सकती हूँ, बातचीत में रह सकती हूँ। अच्छा, आज तीज जो है क्या स्पेशल कर रहे हो आप, और लोगों से हट कर आज आपने क्या सोच के रखा, क्या क्या होने वाला है? मैं आपको बताऊँ कि कोई भी कार्यक्रम जिसमें आप 50 को 60 को एकत्रित करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा कुछ समा बांध दीजिए, ऐसा कुछ कार्यक्रम का समा बांध दीजिए कि लोग महसूस ही ना करें कि वो अपने घर से अलग कहीं पर हैं। लेकिन उसके संग आपका दायित्व है कि उससे कुछ ऐसा प्रोडक्टिव निकले कि आप जब उसको खुद देखें तो आपको रियलाइज़ हो कि कोई बात नहीं कि लेकिन मैंने किया, लेकिन लोगों के पास कोई मैसेज गया। तो मैंने 10 लोगों को चिन्हित किया है, वो 10 लोग इन 50 लोगों को ये बताएंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में कैसे बाकी कार्यक्रम के संग इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो घर से पहली बार निकल के आज यहाँ तक आई। मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि रिपीटेड सेम पार्टिसिपेंट ना आए। मैं ढूंढती हूँ, कन्विंस करती हूँ लोगों को कि हर बार नए चेहरे आए। नए चेहरे आने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है, जिसको एक बार स्टेज मिल जाता है वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, जैसे मुझ में खुद आया। तो अगर आपने किसी को स्टेज दे दिया और वो एक बार आगे निकल गया तो नए वाले के प्रति आपका दायित्व बनता है कि उसको स्टेज दीजिए और वो फिर आगे जाए। तो इस तरीके से कड़ी दर कड़ी आप आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत सारे ऐसे लोग हो जाएंगे। बेहतर, हाँ ऑफ कोर्स, हमेशा कोई भी चीज़ हमेशा अपलिफ्ट ही होती है, डाउन ही होती है। मेरा बहुत मन होता है कि हर बार जब आप कोई कार्यक्रम करें तो उसमें ज़रूर से ज़रूर कोई प्रोडक्टिव मैटर होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए। तो मैं इसमें भी कुछ लेडीज़ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि कैसे वो नौकरी भी करती हैं, इवेंट भी करती हैं, जीतती भी हैं और घर का काम तो करती ही करती हैं, वो तो दायित्व है ही है। कहते हैं कि एक महिला से बढ़कर के घर को कोई नहीं चला सकता, मैं कह रही हूँ एक महिला से बढ़कर समाज को कोई नहीं चला सकता। देश चला रही है। आज जो दर्शक देख रहे हैं, महिलाएं आपको देख रही, कैसे कोशिश करेंगी तीज? मैं आप सभी महिलाओं को, देवियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कजरी तीज की, हरियाली तीज की, सभी त्योहारों की जो भारत में मनाए जाते हैं। और आशा करती हूँ कि ईश्वर आपकी जो जीवन है उसमें प्रतिदिन उन्नति प्रदान करें, कुछ नया सीखिए, कुछ नया करिए और हमेशा बिजी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी के संग मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। उद्गम का जो तीज फेस्टिवल है कितना खास है आपके लिए? उद्गम का जो तीज फेस्टिवल है कितना खास है आपके लिए? तीज का प्रोग्राम तो वैसे भी सबके लिए बहुत खास होता है, और जैसे आप देख रहे हैं कि इतनी सारी परियां जो हैं हरे पीले लाल रंग में ज़मीन पे उतर आई हैं, तो प्रोग्राम यही अच्छा ही होता है कि सब लोग एक साथ मिल लेते हैं और एक दूसरे से मिल के बातचीत कर लेते हैं। अपने बिजी शेड्यूल्स में से बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो प्रोग्राम के जरिए ही हम सब लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं। अच्छा, महिलाओं के लिए कितना खास है आज का दिन? शंकर जी का दिन है, वैसे भी महिलाओं के लिए बहुत खास दिन होता ही है, और शंकर जी की पूजा तो लोग लड़कियां और मैरिड सब करते ही है। आज मेरे यहाँ नहीं होता है यह हरियाली तीज, मेरे यहाँ हड़तालिका तीज होती है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी इसके बारे में, लेकिन वो प्रोग्राम वगैरह होते हैं। हाँ हाँ, तो आप जो देख रहे हैं जो नहीं आ पाए वो क्या करेंगे? जल्दी से आ जाइए। कैसा लग रहा है आप? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हमारे यहाँ तो हरियाली तीज होती भी नहीं है, मैम ने बुलाया तो लगा कि अच्छा तो उत्सव है, हमारे हिंदू संस्कार में इतने अच्छे अच्छे उत्सव होते हैं, बहुत फुली एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है, और आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये है उद्गम का तीज फेस्टिवल जो हमने आपको दिखाया है, जहाँ हमने रूपाली जी से भी बात की है और सभी से यहाँ पर जो
मौजूद है, सभी के चेहरे पे खुशी है और तीज का फेस्टिवल का और सावन का उत्साह है और तीज फेस्टिवल का जो जोश है वो देखने को बन रहा है। तो उद्गम के इस तीज फेस्टिवल में कुछ मेहमान हमारे साथ और जुड़े, जानते हैं मैम कैसा लग रहा है? मैं तो उद्गम के साथ 2.5 साल से जुड़ी हुई हूँ, अब एज अ टीम मैं उद्गम में काम कर रही हूँ। तो हमने ये फंक्शन हम आगे जो औरतों के लिए करते हैं उसके अलावा औरतें थोड़ा फेस्टिवल है उस माहौल में थोड़ा और खुल के आए, इन्जॉय करें, हमने उसके लिए इसको ऑर्गेनाइज किया। और यहाँ पे हम एक छोटा सा प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं, अगर कोई अपनी चीज़ों को लेके आ रहा है, औरतें हैं अपनी प्रतिभाओं का यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई गा रहा है, जो शादी के बाद एक फैमिली में रहते रहते कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को, अपनी जो भी उनका एक्स्ट्रा एक्टिविटी रहता है वो चीज़ विलुप्त हो जाती है घर और बच्चे में, तो वो चीज़ों को यहाँ पे और निखार सकते हैं। वो लोग आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जो वो बच्चों और फैमिली के साथ नहीं कर पाते हैं। तो उद्गम का हमेशा से एक ही मोटिव रहा है कि औरतों को जो भी लाइक औरतें हैं जो घर पे एक बंद हो गई हैं उनको एक रास्ता, चाहे वो रोजगार के तौर पे हो, एंजॉयमेंट हो, हम हर तरीके से कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें। थैंक यू। अभी रेखा जी आ रही हैं, आपसे जानना चाहूंगी, आप इस स्टॉल पे हो, बहुत ही खूबसूरती से आपने सजाया है, बहुत कुछ है, तो आज उद्गम जो ये तीज फेस्टिवल कर रहा है क्या खास है इसमें और स्टॉल पे क्या क्या खास है? मैं रूपाली नाम, जो कि उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन की हमारी फाउंडर हैं, उनको पहले तो थैंक्स भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जो उन्होंने फ्री हैंडीक्राफ्ट क्लासेस शुरू की हैं वो मेरे लिए स्पेशली शुरू किया, तो मैं पर्सनली उनको बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ। और रही तीज की बात, तो पहले तो सबको तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ, और मैंने सिर्फ सुना था, आज उनको पर्सनली देखा है। मैम किसी में भेदभाव नहीं करती हैं और सबको इक्वली प्लेटफॉर्म देती हैं, तो उन्होंने आज इसीलिए इसमें कोई प्रतियोगिता ना रखकर उसको इक्वल उसमें रखा हुआ है। और अनु कौन है? अच्छा, आप बच्चों को ये सिखाते हैं? जी हाँ, मैं मैक्रम पे स्पेशली काम करती हूँ, आपने जो भी स्टॉल पे सामान रखा हुआ है। तो ये छोटा सा झूला भी है, आप जन्माष्टमी आ रही है, आप बाल गोपाल को झूला, हाँ इसमें 0 नंबर से लेके आपको जितना बड़ा रखना है, ऑर्डर पे भी ये बनते हैं मैम के वहाँ। और स्पेशली जो है और मैक्रम है, उसका मैक्रम में भी वैरायटी होती है, उधर लास्ट में देखिए सिल्क रखा हुआ है, बाहर कॉटन मैक्रम का प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो आई थिंक कुछ लोग मैम को सपोर्ट करें, तो क्योंकि वो गरीब बच्चियों और महिलाओं पे स्पेशली काम कर रही हैं, तो आप जानते हैं इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ती है। और मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रही, बट मैं ये चाहती हूँ कि इन सब से थोड़ा बच्चों का हौसला बढ़ता है। और मैम ने ये चीज़ भी दी, लास्ट हमने एग्जीबिशन लगाया था तो मैम ने बच्चों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने सारे बच्चों को एक सा मौका दिया और एक जैसा समझा। और जो अभी आप सामान देख रहे हैं सब ऑर्डर पे भी बनता है मैम के वहाँ, यानी कि लोगों को हौसला बढ़े, बच्चों का बढ़ा है। और मैम ने ये चीज़ मुझे सिखाई है, मेहनत करो, आज नहीं कल कुछ ना कुछ फल मिलेगा, बट मेहनत करो, कोशिश करो, हौसला बढ़ाइए बच्चों का। और ये जो ये हाथ से बने हुए हैं और बहुत खूबसूरत है, आइए देखिए, और ये सिखाती है, फ्री है, एक बहुत खूबसूरत काम है जो ये करती है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।